दोस्तों, जब हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एक नंबर लेते हैं 24। इसके फैक्टर्स हैं दोस्तों 3 × 8। ये इसका फैक्टर का पेयर ले लेते हैं, 3 × 8 24 हमें मिलता है। हम इसके फैक्टर को गौर करेंगे तो दोस्तों हमें और भी इसके फैक्टर मिल सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ, हमें 4 × 6 भी इसका फैक्टर होता है, 3 × 4 × 2 भी इसका फैक्टर होता है, और मैं देखूँ तो 3 × 2 × 2 × 2 ये भी इसके फैक्टर्स होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो इसके हो रहे हैं, क्योंकि ये इनका जो फाइनल रिजल्ट है, 6 × 4 24 मिलेगा, 4 × 3 12 × 2 24 मिलेगा, 3 × 2 6 × 2 12 × 2 24 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे अल्टीमेट जो रिजल्ट मिल रहा है वो 24 ही मिल रहा है। बट फिर भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो मुझे मल्टीप्लाई होने के बाद 24 देंगे और उसके आगे उनके फैक्टर नहीं हो सकते। आइए इस बात पे गौर करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, 24 में ये जो फैक्टर्स का जो पूल है, ये जो फैक्टर का स्टाइल है, इसके बाद ये नंबर फर्दर किसी नंबर में ब्रेक नहीं हो सकते, क्योंकि 3 अल्टीमेटली 3 रहेगा। 2 के बाद कोई और नंबर नहीं है जिसमें मैं इसे ब्रेक करूंगा। ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, मैंने 4 को ब्रेक किया था 2 × 2, मैंने 6 को ब्रेक किया था 2 × 3 में, मैंने 4 को यहां ब्रेक किया 2 × 2 में, मैंने 8 को ब्रेक किया 2 × 2 × 2 में। तो ये सारी चीजें ब्रेक हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली 3 × 2 × 2 × 2 फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स इसके आगे फर्दर ब्रेक नहीं होंगे। तो इसका मतलब डेफिनेशन ये हुई कि जैसे यहां पर 24 है, कोई भी नंबर है, उसको मैं अल्टीमेटली इस फैक्टर्स में बांटता हूं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स को बेसिकली उन फैक्टर्स को उस मेथड को बेसिकली बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एक नंबर के फैक्टराइजेशन करना किस लेवल पे कि वो प्राइम नंबर में ब्रेक हो जाए, उस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको लेके। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और डिटेल में जानते हैं कुछ बातें इसके बारे में। एक नंबर लेता हूं मैं 36। दोस्तों, इस नंबर के मैं अब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बनाता हूँ किस तरीके से ये नंबर ब्रेक हो सकता है फर्दर। यहाँ पर देखिए, 36 हमें मिला 2 को, जब मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया 36 मिल जाता है मुझे। 3 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ 36 तब भी मुझे मिलता है। 4 × 9 करता हूँ तब भी 36 आता है। 6 × 6 करता हूँ तो भी 36 आता है मुझे। बट अब मुझे इसके बाद एक और लेयर में इसे ब्रेक करना है और देखना है ये किस लेवल पर जाता है। तो मैं यहां पर इसको ब्रेक करता हूं 18 को, ये दोस्तों जाएगा फिर 2 × 2 × 9। यहां पर ये 18 जो है, 12 को मैं करता हूं दोस्तों, ये 3 × 4 में ब्रेक हो जाता है। इस केस में मैं 4 को भी करता हूं, 9 को भी करता हूं। 4 को करूंगा 2 × 2 मिलेगा, 9 को करूंगा 3 × 3 मिलेगा, 6 को करूंगा 2 × 3 मिलेगा, फिर फर्दर 6 को करूंगा 2 × 3 मिलेगा। बट फिर भी इसको करने के बावजूद भी मेरे पास फिर एक 9 बच गया, फिर एक 4 बच गया। तो इस तरीके से, क्योंकि 9 और 4 अभी भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक नहीं हुए हैं, चलिए मैं इसको और फर्दर ब्रेक करता हूं। कैसे, ये देखिए, 9 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 3 × 3 में, 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 2 × 2 में। ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुके थे प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में। तो अब मैं अल्टीमेटली देखूं तो ये देखिए, यहां पे मुझे 2 2 मिले हैं और 2 3 मिले हैं। इस तरीके से यहां पर मुझको 2 3 यहां मिले हैं और 2 2 यहां मिले हैं मुझे। यहां पर भी सेम चीज हो रही है दोस्तों, और यहां पर भी सेम चीज हो रही है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप देखेंगे तो जो मैंने 36 से जो प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में इसको ब्रेक किया वो था 2 × 2 3 × 3। इसको मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास था 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो यहां पर ये जो हुई, ये इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म। तो ये 36 की दोस्तों प्राइम फैक्टराइज फॉर्म हुई। 36 जो नंबर है वो मैं इस तरीके से ब्रेक करके इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकता हूं और इसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बना सकता हूं। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमें काफी काम आता है जब हम किसी बड़े नंबर को ब्रेक करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि हमें अल्टीमेटली अगर प्राइम फैक्टराइज फॉर्म मिल जाती है तो, और हमें कुछ कोई एक नंबर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में पड़ा होता है तो हम उसको आसानी से ब्रेक कर लेते हैं, उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इस एनालॉजी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझको 36 को डिवाइड करना है 60 के साथ। मैं इसको नॉर्मल भी डिवाइड कर सकता हूँ, बट मैं इसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में करूंगा।
36 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म होती है दोस्तों, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। और दोस्तों 60 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म होती है 2 की पावर 2 × 3 × 5, ये प्राइम फैक्टराइज फॉर्म होती है। अब देखिए कितना आसान हो जाता है मेरे लिए इसको ब्रेक करना, इसको सॉल्व करना। यहां से मैं 2 से 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर दूंगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया और सिंपल रिजल्ट्स मुझको मिल गए। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन 3/5 आता है। कितनी आसानी से दोस्तों मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मेरे को बहुत कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मैं किसी बड़े नंबर को उसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लेके आता हूँ कि वो अल्टीमेटली किस प्राइम नंबर पे जाके रुकता है। जैसे यहाँ पर 36 रुका 2 और 3 प्राइम नंबर पे, 60 रुका 2, 3, 5, यहाँ पर तीनों प्राइम नंबर आए और फिर अल्टीमेटली मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ आफ्टर कटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस तरीके से दोस्तों मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको काफी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी इस टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो ये बैकबोन है। तो आई होप दोस्तों आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।